हेलो एवरीवन, दिस इज़ बादल रमा एंड वेलकम अगेन टू माय एजुकेशनल यूट्यूब चैनल आई एस पॉइंट। आई होप यू आर वेरी वेल। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री NCERT क्लास 8 चैप्टर 7 व्यूवर्स आयरन स्मेल्टर एंड फैक्ट्री ओनर पार्ट 3। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में बुनकरों के बारे में देखा था, यूरोपीय बाजार में भारतीय कपड़ों के बारे में हमने देखा था, फिर हमने देखा था कि सूती जो कपड़ा था उसकी मिलों का जो उदय है वो किस तरीके से भारत में हुआ, और फिर हमने देखा था वुड स्टील का जो निर्माण है वो भारत में किस तरीके से हुआ। तो आप लोग जानते ही होंगे कि जो वुड स्टील है एक काफ़ी ज़्यादा कठोर धातु होती है, जिसका जो एक तरीके से जिसे बनाया गया वो 300 ईसा पूर्व में बनाया गया था। ऑलराइट, तो अब देखते हैं गांवों की उजड़ती भट्टियाँ। तो अगर अभी तक आपने हमारी पहली वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप सभी लोग जाकर हमारी पहली वीडियो को देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए हेल्प मिलेगी, क्योंकि उसमें डेली न्यूज़पेपर और करंट अफेयर से रिलेटेड और UPSC के स्पेशली हैंड रिटन नोट्स उसमें प्रोवाइड कराए जाते हैं। ऑलराइट, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, तो गांवों की उजड़ती भट्टियाँ, तो वुड स्टील उत्पादन के लिए लोहे के परिशोधन में बेहद परिष्कृत तकनीक जरूरी थी। तो अब देखिए, तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि भारत में 19वीं सदी के अंत तक जो लोहे का प्रगलन था वो सामान्य गतिविधि में होने लगा था। प्रगलन यानी कि जब किसी धातु को गलाया जाता है। ऑलराइट, तो ख़ास तौर पर जो बिहार और मध्य भारत के हरेक जिले थे तो ऐसे में प्रगलन के काम के लिए वो कारगर थे। तो देखिए, तो कहाँ कहाँ पर थे, तो बिहार और मध्य भारत के हरेक ज़िले में उस समय इस्पात यानी कि लोहे का प्रगलन किया जाता था, जो लोहा बनाने के लिए लौह अयस्क के स्थानीय भंडारों का इस्तेमाल करते थे। तो इसी लोहे से कारखानों में दैनिक इस्तेमाल के औजार और साधन बनाए जाते थे। ज़्यादातर जो भट्टियाँ थी वो मिट्टी और धूप की सुखाई हुई गई ईंटों से ही बनाई होती थी, यानी कि एक तरीके से हैंडमेड वो भट्टियाँ होती थी जिनमें धातुओं का प्रगलन किया जाता था। तो ज़्यादातर जो भट्टी थी वो मिट्टी और धूप से सुखाई जाती थी और ईंटों से बनी होती थी। तो देखिए, तो प्रगलन का पूरा काम था यानी कि धातु को पिघलाने का जो पूरा काम था वो पुरुष करते थे और महिलाएं धोकनी चलाती थी। तो देखिए, धोकनी एक तरीके का यंत्र है जो कि एयर प्रेशर को एक तरीके से इंक्रीज करता है, यानी कि धोकनी इस तरीके का यंत्र होता है अगर वो भट्टी में एक तरीके से वायु का काम करता है जिससे कि कोयले जो होते हैं वो लगातार दहकाने लगते हैं। तो कोयलों को दहकाने के लिए हवा के प्रेशर से धोकनी का इस्तेमाल उस समय महिलाओं के द्वारा किया जाता था। तो देखिए, तो जैसे कि चित्र 12 में आपको पता होगा कि पालामाऊ में, तो अब देखते हैं, तो इसमें फेंकती रहती थी यानी कि कोयले के साथ एक तरीके से वो धोखनी से हवा करती रहती थी जिससे कि जो कोयले थे वो सुलगते रहते थे। अब देखिए, तो 19वीं शताब्दी के अंत तक आते आते लोहे का जो प्रगलन का हुनर था वो ख़त्म होने लगा था। अब उसके देखो क्या कारण क्या थे, तो ज़्यादातर जो गांव थे उनमें जो भट्टियाँ थी वो अब ठंडी पड़ने लगी थी, यानी कि जो भट्टियों में धातुओं का प्रगलन किया जाता था अब ये व्यापार जो था वो ठप होने लगा था, और इसके कई सारे कारण थे। तो देखिए, पहली वजह तो इसमें ये थी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कानून बनाया था, वन कानून यानी कि फॉरेस्ट एक्ट बनाया था, तो उसमें हमने अध्याय 4 में पढ़ा था कि देखिए, तो जब औपनिवेशिक सरकार की आरक्षित वनों में लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया तो लोहे के लिए जो अयस्क होते थे और जो कोयले के लिए लकड़ी चाहिए होती थी वो कलेक्ट नहीं कर पाते थे क्योंकि कानून की वजह से। तो देखिए, तो लोह अयस्क में वे कहाँ से ला सकते थे, जब कानून को नज़रअंदाज करते हुए वे अक्सर चोरी छिपे जंगलों में जाकर लकड़ियाँ इकट्ठा कर लाते थे, परंतु लंबे समय तक इस व्यापार को चलाने के लिए लकड़ी की उपयोगिता काफ़ी ज़्यादा थी उस समय। ऑलराइट, तो इसमें होता क्या था कि जो प्रगलन किया करते थे यानी कि जो एक तरीके से कारीगर थे लोहे को पिघलाने वाले, तो उनके कारीगर एक तरीके से जो कारोबार था वो ठप होता जा रहा था, लिहाजा बहुत सारे कारीगरों ने ये पैसा ही छोड़ दिया था, एक तरीके से ये व्यवसाय ही छोड़ दिया था और दूसरे साधन ढूंढने लगे थे। तो कुछ क्षेत्रों में हुआ क्या था ना कि जो कुछ क्षेत्र थे सरकार के, उन्होंने जंगल में आवाजाही की अनुमति दे दी थी यानी कि आने जाने की अनुमति दे दी, लेकिन प्रगलकों को अप्रेक्ष यानी कि प्रत्यक्ष भट्टी के लिए वन विभाग को बहुत भारी कर चुकाना पड़ता था, यानी उन्हें टैक्स देना होता था जिसमें उनकी आय गिर जाती थी, यानी कि जो वो आय कमाते थे उसमें एक भारी टैक्स देने की वजह से जो मुनाफा हो जाता तो वो बहुत ज़्यादा उनका कम रह जाता था।
19वीं सदी के आखिर तक ब्रिटेन से लोहा और इस्पात का जो आयात था वो भी होने लगा था। तो भारतीय लोहार भी घरेलू बर्तन में औजार आदि बनाने के लिए आयातित लोहे का इस्तेमाल करने लगे थे, और इसकी वजह से स्थानीय प्रयोगों के द्वारा बनाए जा रहे लोहे की मांग जो थी वो अब धीरे धीरे से कम होने लगी थी, क्योंकि 20वीं सदी की शुरुआत में ही लोहा और इस्पात बनाने वाले कारीगरों के सामने एक नई चुनौती आ खड़ी थी। तो देखिए, तो क्या चुनौती आ खड़ी थी, पहले हम एक व्यापक उद्योग के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, तो प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार, तो देखिए इसमें क्या बताने की कोशिश की गई है, तो एक ज़माने में लोहा प्रगलन भारत का बहुत व्यापक उद्योग था, आप लोग ये जानते होंगे और जैसे कि आपको इस पैराग्राफ से पता भी चल गया होगा। तो और सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र के विशाल बलुआ मैदानों में अलावा शायद ही कोई ऐसा जिला था जहां धातु मल ने दिखाई देता हो। देखिए, धातु मल किसे कहा जाता है, एक तरीके से जब धातु को पिघलाया जाता है तो धातु पिघलने के बाद जो उसकी अशुद्धियाँ होती है वो धातु के ऊपर तैरने लगती है, उसे ही धातु मल कहा जाता है। तो यहाँ के आदि लोह प्रगलकों को ऐसा भंडार से अयस्क खालसित करने में कोई परेशानी नहीं होती थी, जिन पर कोई यूरोपीय लोह विशेषज्ञ एक पल के लिए विचार करना भी उचित नहीं समझेगा। तो देखिए, तो इस तरीके की उन्हें समस्याओं का सामना मतलब करना होता था। अब चित्र 13 में देख लेते हैं कि क्या बताने की इसमें कोशिश की गई है। तो एक मध्य भारत का एक गाँव है जहाँ पर लोह प्रगलकों की अगारिया समुदाय का रहता था। तो देखिए, अगारिया जैसे कई समुदाय लोहा बनाने में माहिर थे। तो अगारिया आपको याद रखना है कि किससे संबंधित है, तो एक तरीके से कारीगर है, एक तरीके से अगारिया जो है एक समुदाय है जो कि लोहा बनाया करता था उस समय। तो 19वीं सदी के आखिर में बार बार पड़े अकाल की वजह से भारत के सूखे पूरे इलाके पूरी तरीके से तबाह हो चुके थे, आपको पता ही होगा, क्योंकि ये 19वीं सदी जो चली थी एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा इसमें नुकसान हो रहे थे। आपने देखा होगा जो कोयल माइन होता थी उसमें करीबन 2000 लोग उस समय रोज मर रहे थे, और काफ़ी ज़्यादा इसमें आंदोलन भी छिड़ रहे थे इस चीज़ को लेकर के। फिर धीरे धीरे से ईस्ट इंडिया कंपनी का भी जो अत्याचार था वो भारतीयों के ऊपर पूरी तरीके से बढ़ता जा रहा था। फिर 1911 में आपको पता ही होगा प्रथम विश्व युद्ध जो था वो छिड़ गया था, तो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से अकाल पड़ रहा था। यानी कि कुल मिलाकर जो लोग अपना व्यवसाय भी कर रहे थे वो अपना पेट भरने के लिए ही उस समय व्यवसाय कर रहे थे। तो मध्य भारत के बहुत सारे अगारिय कारीगरों ने काम बंद कर दिया था, जिसके बाद गांव छोड़ दिया और उसकी रोजी रोटी की तलाश में दूसरे इलाकों में चले गए। उनमें से बहुत सारे लोगों ने दोबारा कभी भट्टियाँ ही नहीं चलाई थी। तो भट्टियाँ इसलिए नहीं चलाई थी क्योंकि जब कोई व्यापार ही नहीं था तो भट्टियाँ चलाकर वो आखिर करते भी क्या। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या बताने की इसमें कोशिश की गई है। तो भारत में लोहा व इस्पात कारखानों का उदय, तो देखिए किस तरीके से लोहा और इस्पात कारखानों का उदय हुआ था। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि साल 1904 की ये बात है कि अप्रैल के महीने में अमेरिकी भूवैज्ञानिकों ने चार्ल्स वेल्ट और जमशेद जी टाटा के सबसे बड़े बेटे दोरा भाई टाटा छत्तीसगढ़ के लो एक्स भंडारों में खोजबीन करते घूम रहे थे। तो देखिए, तो आपको पता ही होगा जब 1904 में टाटा कंपनी यानी कि टाटा कंपनी ने एक तरीके से अपनी फैक्ट्री लगाई थी स्टील की और इस्पात के कारखानों की, तो उसमें भूवैज्ञानिक जो थे वो चार्ल्स वेल्ट थे। तो आपको ये नाम याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। तो छत्तीसगढ़ में लोह के लिए भंडारों में जब वो घूम रहे थे तो वे भारत के एक आधुनिक लोह इस्पात संयंत्र लगाने के लिए अच्छे लोह अयस्क भंडारों की तलाश कर रहे थे, क्योंकि जहाँ पर भी वो फैक्ट्री लगाना चाहते थे उसके लिए लोह अयस्क काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। तो कई महीनों में काफ़ी सारा पैसा खर्च चुके थे और जमशेद जी टाटा भारत में बड़ा लोह व इस्पात कारखाना लगाने के लिए अपनी संपत्ति का बड़ा भाग खर्च करने को तैयार थे, लेकिन इसके लिए पहली शर्त यह थी कि उम्दा लोह अयस्क भंडारों को जो है वो पता लगाया जाए। यानी कि बड़े बड़े भंडार वो खोजने के लिए निकल गए थे, क्योंकि अयस्क जो होता है यानी कि जो लोह अयस्क है, लोह अयस्क से ही वो भंडार एक तरीके से लगा सकते थे, यानी कि जो लोह अयस्क का पूरा भंडार था उससे ही वो कारखाना अपना लगा सकते थे। तो एक दिन कई घंटे तक जब वो जंगल में छान रहे थे तो वहाँ से छानने के बाद वेल्ड और दारेबाजी की एक छोटे से गांव में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि कुछ स्त्री पुरुष टोकरियों में भरकर लोह अयस्क ले जा रहे हैं, ये अगारिया समुदाय के लोग थे। जब उनसे पूछा गया कि वे अयस्क कहाँ से लाए तो उन्होंने दूर स्थित एक पहाड़ी की तरफ उंगली उठा दी और वेल्ड के दारोबाजी घने जंगलों में होते हुए काफ़ी देर तक थक कर उस पहाड़ी पर जा पहुँचे। पहाड़ी का अध्ययन करने के बाद वेल्ड ने बताया कि उनमें जिस चीज़ की तलाश थी वो मिल गई। रजहरा पहाड़ी दुनिया के सबसे बेहतरीन लोह अयस्क का भंडारों में से एक थी। तो देखिए, तो
ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि जो रजहरा पाड़ी थी वो किस लिए फेमस थी, तो लो एस के लिए काफ़ी ज़्यादा उस समय फेमस थी। ऑलराइट, तो लेकिन यहाँ की एक परेशानी थी, यह सूखा इलाका था और कारखाने चलाने के लिए आसपास कहीं पानी नहीं था, लिहाजा कारखाने लगाने के लिए सभी जगह में बारे में टाटा की तलाश जारी रही। अगारिया समुदाय के लोगों ने ही लो एस का एक ऐसा स्रोत ढूंढने में मदद की जहाँ से बाद में भिलाई स्टील संयंत्र को अयस्क की आपूर्ति की गई। तो कुछ साल बाद सुरबन रेखा नदी के तट पर बहुत सारा जंगल साफ करके फैक्ट्री और औद्योगिक शहर बसाने के लिए जगह बसाई गई। एक शहर को जमशेदपुर का नाम दिया गया और दूसरे स्थान को लौह अयस्क भंडारों के निकट ही पानी भी उपलब्ध था। तो यह टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना, जिसमें कि 1912 में स्टील का उत्पादन होने लगा। तो देखिए, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये आपके यहाँ लिए यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो 1912 में हुई थी। ऑलराइट, तो किस नदी के किनारे ये हुई थी, सुवर्ण रेखा नदी के किनारे ये हुई थी। ऑलराइट, तो टिस्को यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना बहुत सही समय पर हुई थी और 19वीं सदी में भारत जो था वो आमतौर पर ब्रिटेन में बने स्टील का आयात कर रहा था। तो भारत में रेलवे के विस्तार की वजह से ब्रिटेन में बनी पटरियों की यहाँ भारी मांग थी। तो काफ़ी समय तक भारतीय रेलवे से जुड़े अंग्रेज विशेषज्ञ इस मानने को तैयार नहीं थे कि भारत में भी श्रेष्ठ इस्पात का निर्माण संभव है। तो देखिए, जब टाटा की ये कंपनी लगाई थी यानी कि टेस्को लगाया गया, तब अंग्रेज इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं थे, परंतु जब टाटा कंपनी लगाई गई तो एकदम से ये काफ़ी ज़्यादा फली फूली थी। ऑलराइट, तो जब टिस्को की स्थापना हुई तो हालात बदलने लगे थे। 1914 में जब पहला विश्व युद्ध हुआ तो देखिए यहाँ से भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। ऑलराइट, तो ब्रिटेन में बनाने वाले इस्पात को यूरोप में युद्ध संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए झोंक दिया गया। इस तरह भारत आने वाले ब्रिटिश स्टील की मात्रा भारी गिरावट आई और रेल की पटरियों के लिए भारतीय रेलवे टिस्को पर आश्रित हो गया। तो यानी कि जो भारतीय रेलवे था उसने, यानी कि आपको पता ही होगा जब रेल का निर्माण कराया जा रहा था एक तरीके से, तो उसमें आपको पता ही है कि रेल की पटरियाँ जो है वो बनाई जाती है, तो रेल की पटरियाँ टिस्को के द्वारा बनाई गई थी उसमें, यानी कि टाटा स्टील कंपनी के द्वारा ही। तो काफ़ी ज़्यादा जो आश्रित था वो भारतीय रेलवे अब टिस्को पर ही हो गया था। तो जब युद्ध लंबा खिंच गया तो टिस्को को युद्ध के लिए गोले के खेल और रेलगाड़ियों के पहिए बनाने का भी काम सौंप दिया गया। फिर 1919 में स्थिति यह हो गया कि टिस्को में बनने वाले 90% इस्पात को औपनिवेशिक सरकार ही खरीद लेती थी। जैसे जैसे समय बीता तो टिस्को समूचे ब्रिटिश साम्राज्य में इस्पात का सबसे बड़ा कारखाना बन गया। तो देखिए, तो टिस्को उस समय ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे बड़ा कारखाना उस समय बन गया था। क्यों बन गया था, क्योंकि विश्व युद्ध का जब एक तरीके से समय चल रहा था तो उस समय ही जो रेल के लिए निर्माण करना था, पहियों के भी निर्माण होने थे और पटरियों के भी निर्माण होने थे, तो इसलिए जो टिस्को था वो काफ़ी ज़्यादा उभर गया था इस चीज़ को लेकर के। अब देखिए चित्र 15 में क्या दर्शाने की कोशिश की गई है, युद्ध के आखिर में विस्तार। तो युद्ध की ज़रूरत को पूरा करने के लिए टिस्को को अपनी क्षमता और फैक्ट्री का आकार बढ़ाना पड़ा और विस्तार का यह काम युद्ध के बाद भी चलता रहा। इस चित्र में नए वैद्युत संयंत्र व बाल यंत्र संयंत्र बनाए जा रहे हैं जो कि जमशेदपुर में हैं। तो देखिए, तो आपको ये देख ही रहे होंगे कि किस तरीके के यहाँ पर लेबर्स लगे हुए हैं और किस तरीके की फैक्ट्री का यहाँ पर निर्माण कराया जा रहा है। तो अब देखिए, तो औद्योगिक वस्तुओं की मांग में इजाफा हुआ, यह बदलाव पहले विश्व युद्ध के दौरान हुआ और इसमें उसके बाद सामने आए। तो जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि नेशनल मूवमेंट विकसित हुआ तो औद्योगिक वर्ग ताकतवर होता गया और सरकारी संरक्षण की मांग बुलंद होती गई। भारत पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्षरत ब्रिटिश सरकार को औपनिवेशिक शासन के आखिरी दशकों में इनमें बहुत सारी मांग जो थी वो माननी पड़ी। तो देखिए, तो जैसा कि आपको पता ही होगा, जब स्टील यानी कि इस्पात का कारखाना भारत में लगाया गया और जब भारत में 1914 को पहला विश्व युद्ध हुआ, तब एक तरीके से भारतीयों के लिए सब कुछ बदल गया था। जो भारतीय एक तरीके से अब गुलाम थे, अब वो गुलाम नहीं रह चुके थे, अब जो देश था वो जल्द ही बदलने वाला था। एक तरीके से नेशनल मोमेंट ने भी अब ताकत आ गई थी, एक तरीके से नेशनल मोमेंट में भी अब जान आ गई थी जो कि बेजान पड़ा हुआ था।
अब देख लेते हैं अन्यत्र में, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिक नॉलेज के लिए होता है। तो देखिए, तो जापान में औद्योगिकरण की शुरुआत के साल, तो आपको पता ही होगा 19वीं सदी में आखिर में जापान के औद्योगिकरण का इतिहास भारत के औद्योगिकरण से बिल्कुल उल्टा दिखाई देता है। तो भारत में औपनिवेशिक सरकार ब्रिटिश वस्तु का बाज़ार बढ़ाना चाहती थी, यानी कि ब्रिटिश वस्तुएं भारत को ख़रीदने के लिए एक तरीके से मजबूर करना चाहती थी, तो इसलिए उसने भारतीय उद्योगपतियों को किसी भी तरीके की सहायता नहीं दी। दूसरी तरफ जापान की सरकार ने अपने देसी उद्योगों को खोलकर बढ़ावा दिया। तो 1868 में जापान की सत्ता संभालने वाले मेजी राजवंश का मानना था कि जापान को पश्चिमी प्रभुत्व का सामना करने के लिए औद्योगिकरण के रास्ते पर चलना चाहिए, तो इसलिए उसने औद्योगिकरण को आगे बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। इसी क्रम में डाक सेवाएं, टेलीग्राफ, रेलवे और वाष्प चालित जल पोतों का विकास किया गया और पश्चिम में नवीनतम तकनीक का आयात किया गया और उसमें जापान की ज़रूरतों के हिसाब से ढाला गया। तो जापानी पेशेवरों को प्रशिक्षित करने के लिए विदेशी विशेषज्ञों को बुलाया गया और जो कि निवेश के लिए सरकारी बैंकों से उद्योगपतियों के उदार शर्तों पर कर्ज किए गए। सरकार से पहले विशाल उद्योग शुरू किए गए और बाद में उन्हें सस्ती कीमत पर व्यावसायिक घरानों को बेच दिया गया। फिर भारत में हुआ क्या था ना कि भारत में औपनिवेशिक जो प्रभुत्व था उसमें औद्योगिकरण के रास्तों में बाधाएं पैदा करने लगी थी, जबकि जापान में विदेशी कब्जे के भय से औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला। और लेकिन इसका यह अर्थ था कि जो भारत में जापान का औद्योगिक विकास शुरू होने लगा था, अब वो सैनिक ज़रूरतों से जुड़ा हुआ था। ऑलराइट, तो देखिए, तो जापान जहाँ है एक तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो अपने जो वस्तुएं हैं तो वस्तुओं को ख़रीदने के लिए एक तरीके से वो अपना बढ़ावा करती थी, प्रचार प्रसार करती थी, परंतु जो जापानी कंपनियां थी तो जापानी कंपनियां देसी यानी कि स्वदेशी को बढ़ावा देती थी। ऑलराइट, आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। अब देख लेते हैं कुछ चीज़ें। तो यूरोप में किस तरह के कपड़ों की भारी मांग थी? तो देखिए, यूरोप में काफ़ी ज़्यादा जो भारी मांग थी वो सूती कपड़े की थी, जो कि हैंडमेड बनाया जाता था यानी कि बुनकरों के द्वारा। अब जामदानी क्या है? अब ये देखिए, तो जामदानी एक तरीके की बुनाई है जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। तो देखिए, तो जामदानी जो बुनाई है इसकी शुरुआत हुई थी 20वीं सदी में। तो जामदानी एक तरीके का बारीक मलमल होता है जिस पर करछे में सजावटी चिन्ह बनाए होते हैं। इसका रंग प्रायः सलेटी और सफ़ेद होता है और आमतौर पर सूती और सोने के धागों का इस्तेमाल इसमें किया जाता है, जो कि इस चित्र में आप देख सकते हैं, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। ऑलराइट, तो इसका एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, जो इसका एक तो स्लेटी रंग होता है और सफ़ेद रंग होता है और इसमें सूती और सोने के धागों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कहाँ पर बनता था जामदानी बुनाई? तो बंगाल में स्थित ढाका और संयुक्त प्रांत यानी कि वर्तमान के उत्तर प्रदेश में लखनऊ जो है वो सबसे ज़्यादा जामदानी बुनाई के लिए उस समय प्रमुख केंद्र थे। बंडाना, अब बंडाना क्या है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगरिया कौन थे आप लोगों के कमेंट बॉक्स में बताना है, आप लोगों के लिए होमवर्क है। ऑलराइट, तो रिक्त स्थानों को देख लेते हैं। तो अंग्रेजों का सिट शब्द हिंदी के छिट शब्द से निकला है। ऑलराइट, तो टीपू की जो तलवार थी वो वुड स्टील से बनी थी, तो यहाँ पर वुड्स जाएगा। तो भारत का कपड़ा जो निर्यात था वो कब गिरने लगा था? वो 19वीं सदी में गिरने लगा था। ऑलराइट, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारे वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिल जाए। इसी के साथ हैव ए गुड डे। जय हिंद।